माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त हूँ। और आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार और छोटों को प्यार। तो भाई आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो भाई आप सब लोगों को सब परिवार कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयां एंड शुभकामनाएं हैं। तो आज के ब्लॉग का हमारा शीर्ष ही श्री कृष्ण है। तो आज के ब्लॉग को भी करते हैं स्टार्ट। जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, शॉप में ही पहुंच गया था और अभी धूप बत्ती वगैरह हो गई है, अब रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, चाय पीते हैं और मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। नाश्ता भी आ चुका है और नाश्ते में आज आए हैं हमारे पूरी, आलू के गुटके, कद्दू की सब्जी, दही और मट्ठा। तो चलिए नाश्ता करते हैं। तो फ्रेंड, नाश्ता वगैरह भी हो गया है और अभी अभी दीदी का फोन भी आया है। हमारे बड़े जिया जी ने कहते ली है महिंद्रा की SUV 3XO नई अभी लॉन्च हुई है, तो उन्हें कहते आज वो गाड़ी ले रही है। तो आज वो आए हैं कहते हनुमान धाम छोई रामनगर, तो अभी कह रहे थे हम मिलते हुए जाएंगे यहाँ से करके। तो अभी वो लोग भी आने वाले हैं, तो अभी तक काम ही कर रहा है और घर से फोन आ गया है पूजा का कि दीदी लोग आ गए हैं और खाना भी रेडी है, मम्मी भी नहीं आ रही है दुकान को, तो आप आ जाओ करके। तो मैं भी बस दुकान वकान बढ़ाता हूँ और हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। का नहीं आता अभी किंग। तो भाई पहुंच गए घर। अरे तुम्हारा क्या हो रहा है अंधेरे में? खाने की तैयारी? अरे कॉलेज में होगी फिर अभी, तो 12 बजे तो क्लास छूटेगी उसकी। हाँ कर लेगी, मैंने कहा रखा उससे। हेलो, हाँ तो यार दीदी आएगी, खबर आ गई थी ना, हवा आ गई थी, हवा उधर की हो रही थी। बहुत बधाई नई गाड़ी की। ऊपर वाली भी है, ऊपर वाली भी। गाड़ी तो नहीं दिख रही, वहाँ रिक्को क्या है? अरे वो कौन सी ब्लैक मार्ग थी शायद? अभी अच्छा अभी ले गया। चलो करो फिर, दुकान बड़ा आया यार, तो मम्मी आ नहीं रही थी, मैंने कहा मैं ही बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर दीदी लोगों के लिए खाना भी लग चुका है और क्या लाना है? करूँ खीरा, खीरा क्या? हेलो हेलो, जीते रहो। क्या हुआ, पहचान नहीं रहा? गरीब आया हो? मिली तू इससे पहले कभी? अच्छा, तो भाई खीरा भी आ चुका है और अब कट रहा है यहाँ पर सलाद। ले जाऊं फिर? इसके ऊपर रख दो, क्यों दीदी नहीं खाएगी? जिया जी, ओ जिया जी, हाँ उधर लगा दो ठंड में, वहाँ एसी सही काम करता ना। क्या है? ये जिया जी का। अच्छा बुआ जी का? अभी गरीबा को भी ला रहा हूँ। तुझे भी नहीं करा आज नाश्ता है ना? है। तुझे भी नहीं करा आज नाश्ता? ना ना, आज मंदिर आते करनी है। अच्छा चल लगा रहा हूँ। हाँ तो दीदी जी लोगों ने तो खाना खा ही लिया है और कहते मेरा भी नहाना धोना हो चुका है और पूजा ने खाना भी लगा दिया है। और आज हमारी बिजू भी आ रही है कॉलेज से पैसेंजर बस में, आज पहली बार सफर कर रही है, तो वहाँ बैठ चुकी है बस में, बात हो गई थी हमारी, तो अभी वो लोग भी पहुँच जाएगी 1-2 घंटे में। तो तब तक चलिए हम लोग भी खाना वाना खाते हैं। ये रिंकू आया नहीं? आई आ गया, उसको भी खाओ अभी। तो ठीक है, फिर खाना वाना खा लेते हैं, खाने जाते फिर ले गया। अरे वो सीट कवर और उसके लिए मैटिंग के लिए तो इतना कंपनी ने नहीं दे रही थी, सीट कवर वाले लिए नहीं ना, ऐसे नहीं मैंने।
अच्छा मैंने कहा बाहर से आपने उससे कराऊंगा अपने जैसे मतलब मुझे अच्छा लगेगा उस हिसाब से डलवा लूंगा। ये क्या टॉप मॉडल है? वो है टॉप ही है, टॉप है, टॉप में भी आजकल तीन चार है ना वेरिएंट। अच्छा तो पैरा पैरानू में एक में 360 है वो टॉप है। अच्छा वही टॉप ही है। जिनका भोजन भी हो ही गया था फिर, और अभी दीदी के साथ ही बैठे थे, थोड़ा गपशप वगैरह हो रही थी, और जियाजी तो सो गए हैं, रिंकू भी कह रहा था मैं भी थोड़ी देर आराम करता हूँ, और फिर मैंने कहा बिजी को रिंकू ही लेके आ जाएगा, ठीक है मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। तुम जाने तो एक बार बचा देना, उठा दूंगा तो हाँ आ जाऊंगा। चल ठीक है आ रहे हम भी आ रहे। श्रेया को बैठा देना अच्छी तरह से। हाँ हेलो भाई, हेलो 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 मंडे को आता हूँ तो छोड़ने के लिए। अरे आ जाना, हाँ रे आ जाना, तो शाम को आ जाना, मंडे को छोड़ जाएगा इनको। आ जाओ तुम भी आ जाओ सामने। ठीक है भाई आ रहा हूँ, मम्मी जाऊँ छोड़ना। चलो बाय 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 बुआ, बाय बुआ जी। शाम हो चुकी है और हमारी विजिता भी कहते हैं पहली बार आई है कॉलेज से, जन्माष्टमी मनाने वाले साथ। तो कैसा रहा कॉलेज, रह रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा तो भाई कहते हैं आज भी अब ऐसा हुआ था, सामान तो भाई इतना हमने अधिकतर रखते 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 रख ही दिया था, उसके बाद भी भाई कुछ ना कुछ शॉर्टेज वगैरह होते रहती थी। तो आज विजिता का भी दिन भर भाई अपने शॉपिंग करने में ही रहा, छोटी मोटी चीजें बहुत चीजें लेके आई है, अभी दिखाते हैं। तो आज विजिता का, मम्मी का, गौरी का, सबका आज जन्माष्टमी का व्रत भी है। मैंने और पूजा तो भाई ले लिया है, क्योंकि भाई मेरे को तो डायबिटीज है थोड़ा सा, मतलब खाने के बाद भूख वगैरह लग जाती है मेरे को, और पूजा फिर भाई बनाना भी ठहरा ही, तो इसलिए मैंने और पूजा तो खैर ले लिया। और अब विजिता की शॉपिंग हुई है, तो विजिता क्या क्या लेके आ गए फिर आज? मैं तो बहुत कुछ लेके आई हूँ। इतना कुछ काम हो गया था क्या? अरे कॉपी वगैरह लेके आई, सब चाहिए थी, अब स्टार्ट हो गई क्लासेस, बाकी थोड़े डब्बे वब्बे चाहिए थे, मुझे तो कुछ है नहीं, कभी वहाँ मैस में कुछ मैगी वैगी बनाई, थोड़े थोड़े डब्बे। तो मैगी मैगी के लिए डब्बे का क्या मतलब? नमक मिर्च लगूंगी ना इनमें। अरे अच्छा, लगाऊंगी ना नमक मिर्च। ज्यादा बड़े वाले नहीं है, छोटे छोटे टाइप के नहीं ना? इतने छोटे नहीं थे, मतलब इसमें काजू किशमिश भी रखना है, इसमें घी भी रखना है मुझे। अच्छा, मैस में ले जाऊंगी ना, क्योंकि थोड़ा सा लगाने के लिए घी भी लेके आई, बाकी कपड़े ले जा रही है, थोड़ा बैठने का स्टूल वगैरह लाई थी। अरे वो बात उसके लिए ना, ये तो ये ना टेबल, नहीं नहीं टेबल, अरे वो टेबल में ना जगह चीजें फैल जा रही है, तो उनको इसमें रखूंगी तो स्पेस भी कम होगी, और मतलब एक जगह में रहेगा, जैसे पेन वगैरह हो गई, चार्जर, वो जो भी चीजें हैं इसमें डाल के रखूंगी। और ये बैठने के लिए वो लाई थी मैं स्टूल वगैरह। अच्छा प्याज, प्याज प्याज ही ले आएगी, सैंडविच बनाने के लिए प्याज से लेते हैं। अच्छा, तो सुबह का लंच वो छुट गया था ना, चलो ठीक है, सब है अभी दिखाते हैं। तो कहते हैं कल मैंने इसको विजिता को छोड़ने भी जाना है मॉर्निंग में, क्योंकि कल से फिर इसकी क्लासेस शुरू है, और मम्मी भी भाई अभी दुकान में ही है, तो मैं भी जाता हूँ अभी दुकान को, कहते हैं फिर मम्मी को भेजते हैं घर में, और
जो है शाम की तैयारियां करते हैं यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। बाय बाय। ये पजरी बना रहे हैं प्रणामी के लिए, मंदिर के लिए पजरी। थोड़ा बिचुदी भी ले जाएगी। अच्छा अच्छा, लड्डू बना। हाँ हाँ, हम करेंगे आपकी हेल्प करेंगे हम। अच्छा ठीक है, जब हमारी हेल्प की जरूरत होगी हमें बुला लेना। हाँ ओके। दादी आ गए? क्या लाए? अरे कुछ नहीं, ताना के कपड़े भी लाए वहाँ से दुर्गा यहाँ से। अच्छा, और क्या कहते हैं, दुकान में भी सब दूध दही मट्ठा सब खत्म हो गया। अच्छा अरे आप कह रहे थे वहाँ से कच्चा दूध लाना है, सब खत्म हो गया। वहाँ से कच्चा दूध लाना है? हाँ थोड़ा सा कच्चा दूध ला दे। अच्छा ला दे। और दही दही है पूजा घर? हाँ चल ठीक है, कच्चा दूध ला दे। मुकुट पहन लिया? तो यहाँ पर मम्मी कर रही है कृष्ण जी के जन्म उत्सव की तैयारियाँ, और साथ साथ में यहाँ पूजा भी कहते हैं अपना पजरी की तैयारियाँ कर रही है। मेवे वगैरह सब पीस दिए हैं, अब इसमें क्या है ये गुड़ के बखर का वो मिला रही हैं। हम कृष्ण जी के लिए लड्डू इतने तो दीदी और मम्मा ने बना भी दिए हैं, अब इनकी थोड़ी मैं भी हेल्प करती हूँ बनाने में। कर रहे हो आप ये कान्हा को नहला रही हूँ। मैंने कहा ना आप टीका वीका लगवाने आ जाते एक चक्कर, टीका लगाने के लिए एक चक्कर आ जाते। पापा वो क्या कहते हैं टीका लगाने चल जाओ एक बार घर में, मैं बैठ जाऊती हूँ थोड़ी देर। हो गई हाँ, पूजा पाठ हो गई? हो रही है। आप क्या कर रहे हो ये? अरे कुछ नहीं है, तू क्या टाइम ले रही थी? वो कहते वो चाहिए करके ओ आधार कार्ड की फोटो कॉपी। हाँ, फोटो कॉपी ये सब करा दी मैंने, आधार कार्ड की हो गई अपनी और पूजा की। हाँ। और तुम्हारी आधार कार्ड और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ठीक है, ये मैंने अलग फाइल बना दी, एक फाइल दी मेरे को चाहिए कल के लिए। कल मैंने भाई बिज्जू को छोड़ने भी जाना है, उसके बाद हमारा टूर है आगे के लिए, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कल के ब्लॉग में। तो अभी घर में जो है पूजा वगैरह हो चुकी है, बस और कह रहे हैं कि टीका वगैरह लगाने आ जाओ, तो मैं जाता हूँ। तो तुम्हारा व्रत कब खुलेगा? 12 बजे या जल्दी? तो सुबह को इसलिए जाना है, इसमें जाना है। तो मैं पहुंच गया हूँ शॉप में, और यहाँ कल के लिए बिजली के लिए ब्रेड मैगी और सब रख दिया भाई, क्योंकि वहाँ तो भाई बिल्कुल टाइमिंग है, बस 7 बजे भाई मैच में पहुंचना है तो पहुंचना है। परसों उसका बल एक दिन का नाश्ता भी छूट गया था सुबह का, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जो आइटम है जैसे बिस्किट्स हो गए और ये मैगी हो गई ब्रेड हो गई, कभी ऐसा हो जाए इत्तेफाक तो अपना नाश्ता वगैरह अपना रूम पे कर लेगी। और बाकी भाई दूध दही मट्ठा सब खत्म हो चुका है आज। चलो फिर मैं भी आता हूँ फिर अभी। हाँ किशन भाई को फोन करके ऑर्डर करने का, मैंने कहा भाई कल सुबह के लिए मैंने कहा बाकी का जो है आइटम वो ले आना, दूध दही वगैरह मैंने कल सुबह के लिए सुबह ही मंगा दिया है।
शॉप भी कर दी थी क्लोज, और घर से फ़ोन भी आ रहा है कि जल्दी आओ करके, तो मैंने भी अब ये फिर बिज्जू के थोड़ा सा और सामान भी रखना था, इसमें मच्छर वगैरह हो रहे हैं कह रहे हैं थी, थोड़ा मैंने ऑल आउट हो गया, और जो तुम्हारा अगरबत्ती होती है वो हो गया, फास्ट कार्ड हो गया, सब चीज़ रख दी है उसके लिए, और चाहता हूँ अब घर को। मम्मी को तो नींद भी आ गई है, मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्या हुआ? ले ये तेरे वो मेरा बोला है आधार कार्ड। अरे यार वो गाड़ी में, तो कौन सा नहीं गाड़ी में है जो कह रहा हूँ, दुकान नहीं है, ये रोलो ना, ये बाथरूम वगैरह के लिए टॉयलेट में लगा लेना, ठीक है। एक अगरबत्ती है, कभी जैसे वैसे जलाएगी तो, और ये फास्ट कार्ड है, बाकी ये 12 वाट का, ठीक है। और ये जो है वो मोटी ऑल आउट, ठीक है। बाकी पैकिंग सब हो गई, डस्टबिन है, तो भाई आज तो बाहर को जाने का भी नहीं हो पाया। और तुमने खाना खाया नहीं? तो भाई 12 बजे का इंतजाम नहीं है, क्योंकि कल सुबह हम लोगों ने जाना भी है, तो अभी खाना वाना भी मेरे खा लिया है बिजू ने भी, और मम्मी ने भी बहुत ही खा लिया, तो भाई खाना वगैरह भी हो ही चुका है, हम लोग भी, मैं और पूजा ही बचे हैं जिसने ब्रेड नहीं लिया था, बाकी ब्रेड वाले सबने खाना खा लिया है, तो हम भी खाना। हाँ बेटा, इसको नहीं दिया क्या? क्या हुआ मिट्टू, क्या हुआ? चलो रखो फिर। हाँ, हम भी खाना वाना खाते हैं।